हेलो दोस्तों, मैं नितेश, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्टिक जीके पे। मैं दोस्तों भी बात करते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर आई है, जो टिकटॉक सहित 59 एप्लीकेशन जो भारत के अंदर बैन हो चुके हैं, ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों हम सब अपने टैलेंट इन एप्लीकेशन पर दिखाते थे, जैसे टिकटॉक के माध्यम से वीडियो बना के अपनी टैलेंट को दिखाते थे, लोगों तक शेयर करते थे, और यही फ़ायदा उठा के चीनी सरकार हम लोग से इन एप्लीकेशन के माध्यम से हमारी जो पर्सनल डाटा होती थी उन तक पहुँच रही थी, और उन जो डाटा से हम लोग को ही दबा रहे थे, हम लोग को ही मतलब उल्टा हम लोग से मुनाफा कमा रहे हैं, प्लस हम लोग के दबा रहे थे। तो अच्छी बात नहीं, हम सब भारतीय इनको मतलब ख़त्म करना चाहिए, ये चीज़ बुरा है, ठीक है। जो हम ही से लाभ कमाते हैं और हम ही को दबाते हैं, अच्छी बात नहीं है। इन एप्लीकेशन के माध्यम से वो हमारी पर्सनल डेटा भी चुरा लेते थे, जो हमको उनको देना नहीं चाहिए, बिना पूछे हमसे वो ले लेते थे पर्सनल डाटा। एक डाटा आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक डाटा लीक हो जाए ना तो आपकी पूरा बैंक खाली हो सकती है, आपको पता है। एक कोडिंग के माध्यम से पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो सकती है, पूरी पूंजी आपकी बर्बाद हो सकती है दोस्तों। ये एप्लीकेशन है आपके जो मोबाइल में रहता है, और आपकी जो पर्सनल डाटा जो आपको शेयर तक नहीं करते वो भी उन तक पहुँच जाती है चीनी सरकार तक दोस्तों। ये बहुत बुरी बात थी, लेकिन भारत सरकार ने इस पर बहुत ही अहम कदम उठाया, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे बता दें, आप अगर भी इस एप्लीकेशन जो लिस्ट में दिखाई दे रहा है 59 एप्लीकेशन का नाम, इसमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आज भी यूज़ करते हो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। आप बोलोगे अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर इसमें से कौन सा यूज़ करो दोस्तों, अनइंस्टॉल नहीं करोगे तो आप जान लो बुरी तरह फंस सकते हो दोस्तों। यहाँ पे बात बता दें कि जितने भी एप्लीकेशन है दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं, बस नाम का फ़र्क है, आपको बस ढूंढना होगा कि टिकटॉक के जगह भाई अपना हुनर किस एप्लीकेशन में दिखाएं। तो इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे एप्लीकेशन बन गए हैं जो टिकटॉक की तरह वर्क करता है, सेम वही एप्लीकेशन है, बस नाम अलग है। बस टिकटॉक फेमस हो गया था, टिकटॉक ही सब लोग डाउनलोड कर रहे थे। तो इसके अलावा भी बहुत से एप्लीकेशन जो इंडिया के अंदर हैं, जितने भी सारे एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं लिस्ट, सब मिल जाएंगे। न्यूज़ जब आपको देखना है तो न्यूज़ चैनल बहुत एप्लीकेशन है जो आपके शहर आपके सिटी का न्यूज़ दिखाता है, अपडेट करता है आपको, तो एप्लीकेशन ढूंढना है, देखना है, आपको डाउनलोड करनी है फ्रेंड्स। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो चाइना के एप्लीकेशन है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड में मतलब पूरा दुनिया में रन करता है, पूरे दुनिया में डाउनलोड होते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन चाइना के लोग जो वहाँ पे बने हुए एप्लीकेशन, चाइना सरकार बहुत ही चतुर है कि अपने कंट्री के अंदर जो भी एप्लीकेशन बने हैं वहीं पे वो लोग चला सकते हैं, अदर कंट्री का ऐप्स वहाँ पे डाउनलोड नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अगर चीन आप गए होंगे तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप और फेसबुक जैसे एप्लीकेशन भी बंद हो जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद व्हाट्सअप और फेसबुक भी चलना बंद कर देता है। तो सोचिए, सिक्योरिटी वहाँ पे चाइना सरकार बहुत पहले से रखती है, वो बस अपना एप्लीकेशन फैला के लोगों से मुनाफा कमा सकती है, कमाना चाहती है, लेकिन अपना मुनाफा किसी का मुनाफा उसको नहीं देना चाहती है। यानी इंडिया का कोई एप्लीकेशन वहाँ पे डाउनलोड नहीं होते हैं, इससे इंडिया को कोई लाभ नहीं होता है, बस उनको ही लाभ होता है, उनके एप्लीकेशन सारे दुनिया में फैला है। तो दोस्तों हम लोग क्यों यूज़ करें उनका एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन हमारे इंडिया में मौजूद है तो हम लोग चाहेंगे कि इंडिया के अंदर जो एप्लीकेशन बना हुआ है वही उसी को यूज़ करें, क्योंकि काम वही करता है दोस्तों। दूसरे देश को क्यों फ़ायदा करें, अपने देश को ही फ़ायदा करवाना चाहिए। तो ये हम लोग का कर्तव्य है, दायित्व, इसमें हम लोग का भी फ़ायदा है दोस्तों। इससे हम लोग का जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, दूसरों तक शेयर नहीं हो गया, और वो हमारे साथ कोई भी गलत कार नहीं कर पाएंगे, बताएंगे नहीं। आप अगर समझदार हो दोस्तों, मेरी शॉर्टकट भाषा में आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अगर आपको नहीं पता है, आपके साथ कभी ऐसा घटना घटित होता है, तब आपको उस दिन ये बात की एहसास ज़रूर होगा। तो उससे पहले मैं सचेत करता हूँ आपको, आप बिल्कुल समझ जाओ, अभी का अभी ये सब इंस्टॉल कर सकते हो, ये आपके सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। आज के वीडियो बस यहीं तक, तुम बताऊँगा कौन सा ऐप आपको किस काम का है और कौन सा इंडियन ऐप है, सब मैं बताऊँगा। अगर आप यूज़ करते हो बहुत सारे एप्लीकेशन का तो मैं सारे एप्लीकेशन का डिटेल बताऊँगा, और आपको टिकटॉक के जगह कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करनी है इंडियन ऐप में वो भी बताऊँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ अगला पार्ट, उसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बस आज के लिए बस इतना ही।